ना पॉजिटिव वे में रिलेशनशिप को लेके चल सकते हैं, मतलब ना। और सुनाओ मौसम का हाल कैसे है? बिल्कुल ठीक है। मतलब फजल पे उठाएंगे सर, क्वेश्चन कर सकते हैं सर? एक्चुअली सर एक्चुअली जो बॉयज होते हैं यूनिवर्सिटी में या गर्ल्स होती हैं सर, वो ऑन अ पॉजिटिव वे में रिलेशनशिप को लेके चल सकते हैं, मतलब फ्रेंडशिप ओनली, क्योंकि उन्होंने बात भी करनी होती है। ये नहीं क्या हुआ, कुरान सिखाएंगे आपस में एक दूसरे को, क्या करेंगे? नहीं नहीं मतलब फजल पे उठाएंगे ये वैसे मतलब बातचीत नॉर्मली है। देखिए इसमें हम पीपीएल फार्मूला बताते हैं। पीपीएल फार्मूला जो इंटरेक्शन है, जेंडर इंटरेक्शन, वो पर्पजफुल हो जी सर, पब्लिक हो, लिमिटेड हो। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा गपशप, मतलब गपशप है ही नहीं उसमें, वो भी मजबूरन के टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया, तब तक ठीक है, उसके अलावा ठीक नहीं है। ओके मतलब सही है वो जो उसके अलावा। और सुनाओ मौसम का हाल कैसे है? वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, लव यू। सो आई वॉन्ट कि मैं ना आप लोगों से कुछ जो मैं अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ को समझा हूँ और जो मैंने अपनी जिंदगी में क्रक्स निकाला है ना, वो उसको वो शेयर करता हूँ कि लाइफ जो कि हम सब गुजार रहे हैं, मैं देखा हूँ बहनें बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, यंगस्टर्स हैं, सब अराउंड 18-25 के बीच में हैं। हर किसी के एम्बिशंस, विजन्स होंगे, हर किसी का एक फ्यूचर प्लानिंग होगी, कौन सी जॉब करनी है, कितना सीजीपीए लेना है, किससे शादी करनी है, फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, पेरेंट्स को कब तक सपोर्ट कर रहे हैं, कब वो दिन आएगा जब मैं उनको देना शुरू करूंगा। हर किसी की अपनी सोच होती है, स्ट्रगल होती है। और हम इस दुनिया में ऐसे रैंडमली नहीं आ गए, ऐसा नहीं हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और बिग बैंग हुआ और हम सब यहाँ पे आ गए। इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, आइंस्टाइन ने कहा था कि दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय मास्टर मैथमेटिशियन। सूरज एक एज करीब हो जाए तो ये दुनिया जल के रात हो जाए, अगर एक एज दूर हो जाए तो दुनिया ये बिल्कुल आइस का एक बॉल बन जाए। सो दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स डू नॉट क्रिएट परफेक्शन। सो हम एक प्लान के तहत आए हैं। मैं अगर आप इसे दो लड़कों को बुलाता हूँ यहाँ पे और मैं आप इसे हर दो लड़कों को $10,000 देता हूँ कि यार आप $10,000 लो और आप ही आओ, आप $10,000 लो, गो एंड स्पेंड दिस मनी हाउएवर यू वांट, जिस तरह मर्जी गुजारनी है गुजारो, बट जब तुम खर्च लोगे ना तो मेरे पास आना मुझे मिलना। तो हम भी थैंक यू सर, $10,000 कमाल हो गए। आप चाहते हो कुछ टाइम बाद एक शख्स आते हैं मेरे पास जो जिसको मैंने दिए थे, वो कहते हैं कि तो अभी $10,000 मुझे मिले थे, मैंने उसे एक ये बुके लिया और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अच्छा ओके, और तो अभी बिकॉज आई लव द बुके एंड दिस बुके वाज वेरी नाइस, सो आई गेव हिम ऑल ऑफ द मनी $10,000 और मैंने बस लेके उसे गिफ्ट कर दिया। I would like, oh my goodness, ये तूने क्या किया? Did a snake bite your head or what? तूने $10,000 देके सिर्फ एक बुके खरीद के दे दिया बस और कुछ नहीं किया? नहीं तो आप, because this was very nice and I wanted to give it to her and that's it. Okay. दूसरा लड़का आएगा और कहता है तो हाँ भाई ये आप दो चाबियां देख लें, एक मैंने मर्सिडीज डी क्लास ली है और एक मैंने 10 कनाल का फार्म हाउस लिया है गुलबर्ग में और अपने पेरेंट्स को वहाँ सेटल किया है और कुछ आधे पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिए ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। आई वाज माय गुडनेस, स्मार्ट है, शार्प बन जाए, ये मेड अ डील, एक मर्सिडीज डी क्लास भी ले ली है, तो इतने पैसे में कैसे ली तूने? बाबी मैंने बड़ी रिसर्च की, ट्यूटोरियल्स देखे, गाड़ियों की इंफॉर्मेशन ली, I made a bargain, I made a deal and E-class Mercedes, 10 का फार्म हाउस, पेरेंट्स मैंने वहां शिफ्ट कर दिया और मेरा भी एक सेल्फ सस्टेन बिजनेस है। I was like, yeah, this guy is a smart man and this guy is not smart. इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी हमें एक करेंसी दी है, ये करेंसी लो, जिस तरह मर्जी गुजारना है गुजारो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, बस जब तुम गुजार लोगे ना तो मेरे पास आना और मुझे बताना कि कैसे गुजारे।
उस करेंसी को पबजी, फोर्टनाइट, स्क्विड गेम, यूट्यूब की वीडियोस, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स पे वेस्ट करके आ गए, रिलेशनशिप्स में मूवीज देखते हुए हल्ला गुल्ला करते हुए आ गए, या इससे कुछ कमा के लाए हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करके लाए हो, कुछ आगे भेज के लाए हो, क्या कैसे करके आए हो? और वो दिन होगा कि जिस दिन अल्लाह चूज करेंगे कि हाँ स्मार्ट लोग सही हो जाए और जो इमोशनली वीक लोग थे बेवकूफ थे वो सही से हो जाए। आज वल्लाहि लज़ीम हम सब कट हैं, नो डिफरेंशिएशन। हो सकता है इस हॉल में अल्लाह का कोई वली बैठा हो, अल्लाह के साथ, और हो सकता है इस हॉल में कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो जिसे अल्लाह शदीद नफरत करते हैं, लेकिन दोनों बैठे बैठे हैं, लेकिन वो जो दुनिया है उसमें इकट्ठा नहीं हो रहा। खौफ इज्जत और राफिया, वो गिराने वाला होगा, बुलंद करने वाला होगा कि हाँ जी यार आप साइड पे आप हो जाओ और आप यहाँ साइड पे हो जाओ। कुछ लोग दूर की मेम्बरों पे होंगे और कुछ लोग अपने सर के बल खड़े होंगे, कुछ लोग चूंटी के बराबर उन्हें कबूल करते थे, कुछ लोग को जिकीर किया जा रहा होगा, कुछ लोग अपने ही होते हुए पसीने में डूब रहे होंगे। सो करेंसी हम सब के पास है, टाइम बिल गेट्स की बात 24 घंटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे थे, मेरे और आपके पास 24, किसी पर 25 नहीं है। अब हम इसको किस तरह से गुजारते हैं ये हमारे ऊपर है। सो स्मार्ट लोग कौन होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा है? देखो बात सुनो, लाइफ की ना टेंशन आपको बड़ा पागल कर देती है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल टेंशन है, हेल्थ की है, फैमिली की है, ये वो है। तो इंसान कहते हैं यार जितनी मेहनत करूंगा, जितना टाइम लगाऊंगा उतना उससे रिटर्न मिलेगा। बल्कि सहाबा के दौर से आज तक चलते हुए आ रहे हैं, और एक दफा नहीं बल्कि सहाबा ताबईन तबा ताबईन आने वाली जनरेशन जिंदगी में अक्सर एक दूसरे को ये एडवाइस किया करते थे, ये तीन काम ना ही करना, अगर ना किया तो फेल हो जाओ। और वो तीन असूल पता है क्या? पहला असूल मन आमिल लिल आखिरा कफ़ाहु अल्लाहु दुनियाहु, जो अपनी आखिरत को प्रायोरिटी बनाएगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अल्लाह उसकी दुनियावी अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अल्लाह कौन सा जो अपनी आखिरत को प्रायोरिटी बनाएगा, अल्लाह उसकी दुनिया के मामला को, फाइनेंशियल मैटर्स, हेल्थ कंसर्न्स, फैमिली, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अल्लाह ताला उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो शख्स सुबह उठता है और फजर की नमाज उसकी लिस्ट में है, इसका मतलब है उसकी आखिरत की प्रायोरिटी है। और जो सुबह उठा ही तकरीबन 7:30 बजे 7:30 बजे 8 बजे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुआ और फजर के बारे में उसने कहा चलो कज़ा होगी तो चलो कह रहा है कल से 5 छुट्टी पढ़ लेंगे, आखिरत नहीं है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में। इसी चीज को ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस से बताया, हदीस कुदसी में बताया कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि ऐ आदम की औलाद, ये अपना आदम तफर्रग ली इबादती, ऐ आदम की औलाद तुझे मैंने पैदा किया है, तेरे रिस्क मेरे पास है, तफर्रग ली इबादती, अपने आप को ना थोड़ा फारिग किया कर मेरी इबादत के लिए, जिस रब ने तुझे 24 घंटे दिए हैं उसके लिए 24 मिनट निकाल लिया कर दिन में, तुम बस कम फराइज के लिए मैं क्या करूंगा अगर तू पारे करेगा अपने आप को। अम ला सदर फिनन व असुक फकरा, मैं तेरे दिल को ना घनी कर दूंगा और तेरे से फकीरी को खींच के ले जाऊंगा, दूर कर दूंगा, तू फकीर नहीं रहेगा फिर। व इल्ला तफअल, अगर तूने ऐसा ना किया, मलक तू यदैका शुहलन व लम असुक फकरा, मैं तेरे अगर तुमने ऐसा ना किया ना, मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा और तेरे से फकीरी को भी दूर नहीं करूंगा, रहेगा तो फिर भी फकीर, ये तो मैं अपने आप को इबादत में कार्य करेगा ना, यानी इबादत का मतलब सिर्फ मस्जिद में जाकर अल्लाह करना नहीं है, वो भी है,
लेकिन तुम अगर आखिर तो प्रायोरिटी बनाया कि यार हलाल और हराम की ऑप्शन मिली है, एक आपको सूदी जॉब की ऑप्शन मिली है जहाँ पे 1.5 लाख मिल रहा है, एक आपको हलाल जॉब की ऑप्शन मिली है जहाँ पे आपको 70,000 मिल रहा है, आपकी जहन में क्लियर हो मैंने हराम तो जितना मर्जी ये 10 लाख की बिजनेस मैं इसको ना कर देता है, मैं हलाल कमाऊँ। योर प्रायोरिटीज आर स्ट्रेट, आप नजरों से जना नहीं करते, कानों से जना नहीं करे, गुनाह नहीं करे, मेरे आखरा स्ट्रेट, ये नहीं कि अल्लाह के लिए अपने आपको फारिग करना है, स्पेशल नमाज के लिए भी मैं तुम्हारे दिल को गनी कर दूंगा और फकीरी को दूर ले जाऊंगा, तुम फिर फाइनेंशियली भूखे नहीं रहोगे। अगर तूने ऐसा ना किया मैं तुम्हारे हाथों को कामों से भर दूंगा। मला मला का मतलब होता क्या है कि मैं अपने हाथ में इतनी चीजें उठा लूं और मोबाइल भी पकड़ लूं कि मेरे हाथ में कुछ और उठाने की जगह ही ना बचे, तो तू लाइफ में इतना बिजी हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर, कचहरी के चक्कर, थानों के चक्कर, हॉस्पिटल से जगह, कभी वालद बीमार, कभी वालदा बीमार, कभी भाई बीमार, कभी खुद बीमार, कभी बच्चे बीमार, लाइफ में इतनी मैं एंजाइटीज और इतने काम ले आऊंगा। ये होता है मला, तो ये देख शुगल, तूने जॉब भी करनी है, तूने फला ग्रोसरी भी करनी है, तुझे मैं इतना बिजी कर दूंगा, वो लम्हा सुत फकरा और फकीरी को फिर भी तुझसे दूर ही ले जाऊंगा, तू रहेगा भाई। और एक और चीज जिसको सपोर्ट करती है इस आर्ग्यूमेंट को, आखिर के लिए काम करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं मॉर्निंग रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज के मोटिवेशनल स्पीचेस ठीक कहते हैं, रॉबिन शर्मा भी कहते हैं कि ओन योर मॉर्निंग टू ओन योर लाइफ राइट और ओन योर डे, तो मॉर्निंग टू ओन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन एक मॉर्निंग रूटीन तो दादो कमाल की, तुम ये करो तुम्हें देखो तुम्हें क्या मिलता है, मन असबहा जिसने सुबह की, व दुनिया अकबर हमहु, पहले लूजर सी मॉर्निंग रूटीन क्या है जिसने सुबह की और दुनिया उसका सबसे बड़ा हम और हम हुई, तो मेरी जॉब, वो मेरे टेस्ट, वो फला क्लास, इसने रात को शाम को इसको पढ़वा लिया, इसने सुबह फजर भी नहीं पढ़ी, ये इसका अलार्म क्लॉक लेडी गागा या एनरिकी या टूपैक टूटूर या किसी का आवाज दी म्यूजिशियन की इसको परवाह नहीं है, ये हैयर सलाह हैयर कला पे नहीं उठा, ही वोक अप ऑन द वॉइस ऑफ अ म्यूजिशियन, डिडंट केयर क्या हो रहा है, जिसे सुबह की उसको दुनिया सबसे बड़ा हम और हम हुई, आखिर पार्टी पे नहीं है, मनस कहा वो दुनिया अकबर हम मानू फरक अल्लाह अलैहि अमरहु, अल्लाह से कामों को ना बखेर दे, वजअल फक्र बैन عینین, कामों को बखेरने का मतलब पता है क्या, कि अगर मैं एक पेपर लूँ ना पेपर एक पेपर और कोई आप फेंक दोगे तो मुझे आप आओ इसको उठा के दो मुझे आपके लिए उठा के देना आसान होगा, लेकिन एक पेपर के 1000 हिस्से करूँ और एक शेडर में डाल दूँ और इस पूरे हॉल में बखेर दूँ, मैं कहूँ बेटा आप आओ और इसको उठा के दो, उसके लिए वो उठाना आसान होगा या मुश्किल, मुश्किल मुश्किल, ये है फरक अल्लाह अलैहि अमर, उसे कामों को बखेर दिया जाता है कि आप काम करके तो दिखा अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ला के तो दिखा, तो जितने मर्जी मोटिवेशन स्पीकर्स को पढ़ ले, तो जितने मर्जी तू फार्मूलाज ले ले तैयार कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, तेरी जिंदगी बिखर जाएगी आप, वजह अल्लाह फकर भाई का आई नहीं, और इतनी एफर्ट कर रहे दुनिया कमाने के लिए, फिर तो अमीर हो जाओगे ना, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई होगी, नहीं वजह अल्लाह फकर भाई का आई नहीं, अल्लाह फकीर को उसकी आंखों के बीच में रख दे, यहाँ दिल नहीं कहा या आंखों के बारे में कहा कि ऑल व्हाट यू विल फील इन लाइफ इज पॉवर्टी, यार गरीब ना हो जो मैं, मुझे अपनी गाड़ी बेचना पड़ जाए, मुझे अपना मकान बेचना पड़ जाए, कहीं किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ जाए, कहीं ऐसे हालात ना आ जाए मेरी मेरी फैमिली पे कि जिसमें हमें ये सब छोड़ के यूनिवर्सिटी ना छोड़नी पड़ जाए, भाइयों को बहनों को स्कूल कॉलेज से निकलना पड़ जाए, ऑल व्हाट दे फील इज पॉवर्टी, कि हमारे लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, हम इतने गरीब हैं आंखों के बीच में, क्योंकि आखिर सी पार्टी प्लेस करी थी, सुबह की और आखिर उसकी सबसे बड़ा प्रायोरिटी हुई, तो नहीं रह गई यार मैं तहज्जुद पढ़नी थी, तहज्जुद फिर मिस हो गई, चलो आज तहज्जुद पढ़ लूँगा, सब तहज्जुद भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, कल रात मैंने मगरिब और इशा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ी थी, ही इज वर्ड, अगर फजर कजा हो जाए तो उसका दिन बर्बाद हो जाता है, ये रोता है उसी टाइम उठ के पढ़ता है, ये नहीं कि चलो रात को इशा के साथ सारे नमाजें पढ़ लेंगे, इसकी हलाल हराम की परवाह करता है, माँ बाप की बात मानता है, ये सुबह सुबह उठ के गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं करता,
इसके इसके लिए अल्लाह इंपॉर्टेंट है, अल्लाह क्या करते हैं इसके लिए, अल्लाह एहसान, अल्लाह बड़े कदरदान है। अल्लाह ताला कहते हैं जमा अल्लाह अलैहि अमरहु, उसे सारे काम को मैं जमा कर दूंगा। अल्लाह यार फलां काम है यार, तेरे काम हो जाएगा, टेंशन ना ले। पासपोर्ट जमा करा रहे, कोई जानने वाला मिल गया यार, बस व्हाट्सएप करते पीछे तेरा पासपोर्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसकी लाइफ शॉर्टेड होती है, इसको ज्यादा कोर्ट के चक्कर नहीं, कचहरी के चक्कर नहीं, ज्यादा थानों के चक्कर नहीं, मुश्किल में नहीं होता। अगर मुश्किल बड़ी भी सी तो अल्लाह इसके दिल को ना स्टेडफास्ट देता है और ये सुकून में होता है, ये एंजाइटी में डिप्रेशन में नहीं चला जाता, अल्लाह इसको तगड़ा कर दे और वो मुश्किलें आसान हल हो जाती हैं। जब अल्लाह पहला काम, और दूसरा वजाला गिना निकल गई, और इसके दिल में अल्लाह ताला तमंगरी को रिचनेस भर देता है, इसको परवाह ही नहीं है कि मेरा रिस्क कहाँ से आएगा, ये रिलैक्स लाइफ गुजारता है, अल्लाह रब ये देगा और अल्लाह से काम भी करता है। लेकिन ये कहा था लेकिन सिर्फ गिना अंतर तक आ लेकिन गिना गिना कल ज्यादा रिच होना ना अब इधर ना टॉप रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क सब के ऊपर है, जेफ बेजोस पे है और फिर मार्क जुकरबर्ग, ये तो है। याद रखें ज्यादा पैसे में रिचेस नहीं है, रिचेस